तो कैसे चल रहे हैं आप लोग का पढ़ाई लिखाई जो है? मान करके चलते हैं कि सब चीज़ जो है पढ़ाई लिखाई वगैरह जो है ठीक से चल रहे होंगे। और इस बार जो यूनिवर्सिटी का एक्चुअली एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो कोविड के बाद जो है कोरोना के बाद जो एक्चुअली जितने भी एग्ज़ाम वगैरह का जो है अरेंजमेंट जो हो रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो उसमें कई सारे यूनिवर्सिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है पैटर्न कर रहा है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो हम लोग आज इसी के बारे में एक्चुअली डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, आप सभी लोग का स्वागत है, ठीक है। तो हम लोग आज इसी बात को डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी वगैरह में आ रहा है, इसका हम लोग कैसे एक्चुअली प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव यदि दे रहा है तो आपके लिए वो आसान काम है। ऐसा अरेंजमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि यूनिवर्सिटी चाहता है कि दोनों साइड जो है विन विन सिचुएशन रहे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के साइड भी एक विनिंग टाइप का सिचुएशन रहे और आपके साइड भी जो है स्टूडेंट टाइप के जो आपको रहा करते हैं साइड भी जो है वहाँ भी विनिंग सिचुएशन रहे। कहने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहता कि बिना एग्ज़ाम लिए वो आपके पास कर दे। एक समाज में अजीब सा जो है मजाक बन जाएगा कि ग्रेजुएशन को जो है नॉर्मली बिना एग्ज़ाम लिए हुए, बिना मतलब जो है किसी तरह का टेस्टिंग किए हुए जो है डिग्री दे दिया गया, ठीक है। तो समाज में, या आप बोल सकते हैं कि और भी दूसरे स्टेट वगैरह में जो एक तरह से मजाक आपको बन सकता है। ऐसे भी यूनिवर्सिटी का कई जगह पे जो है नॉर्मली जो है मजाक होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है बिना एग्ज़ाम लिए हुए भी वो पास कर देता है, तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब सा सिचुएशन रहता है कि हायर एजुकेशन में इस तरह का काम कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी चाहता है कि कुछ एग्ज़ाम ले लिया जाए, ठीक है। तो एग्ज़ाम ले लिया जाए और उसको जल्दी सा कंडक्ट करके जो जल्दी सा चेक कर दिया जाए, तो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली एक रास्ता जो आसान रहता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में चाह जाएगा तो OMR सीट पे भरवा करके जो है और तुरंत उसको जो है मशीन से चेक किया जा सकता है, ठीक है। या ऐसे भी चेक करना जो ऑब्जेक्टिव को जो एक तरह से आसान है, उसमें करना क्या रहता है, 1 का A 2 का B ऐसे करके ही चेक करना रहता है, ठीक है। दूसरे लोग भी उसको चेक कर सकते हैं, जो नहीं भी जानते थे उनको आंसर की दे दिया जाए तो वो भी एक्चुअली चेक कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे OMR सीट पर यदि लेते हैं तो उसके मशीन से जो है बहुत आसानी से जो है वो तुरंत मशीन ही चेक करके कंप्यूटर पर रिजल्ट जो है तुरंत चलाया करता है। तो एक तरह सुधर भी आसान हो गया, स्टूडेंट के साइड भी हो गया एक तरह से जो है कि बहुत ज़्यादा अचानक बर्डन एक्चुअली नहीं आया, ठीक है। क्योंकि आपका सब्जेक्टिव वगैरह के एग्ज़ाम में जो रहते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना रहता है, डेरिवेशन वगैरह लॉन्ग जो डेरिवेशन रहते हैं ये सब चीज़ों में, तो अचानक जो है पूरी तरह से बर्डन एक्चुअली नहीं आ जाए। तो इसलिए भी ऑब्जेक्टिव एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट साइड से भी एक तरह से आसान एक्चुअली हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको लेता है। सपोज कर लीजिए कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि ऑनर्स में सब जो पहले से जैसा क्वेश्चन लेते थे उस तरह से ही रखा हुआ रहेगा, ठीक है। सिर्फ सब्सिडरी वाले में जो है वो क्वेश्चन को जो है चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव करेंगे। कुछ लोग का ऐसा बोलना है कि सभी कुछ ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। देखिए, जैसा भी बात रहे, यदि आपका तैयारी अच्छा से किया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम रहता है तो बहुत आसान काम आपके लिए हो गया, ठीक है। और सब्जेक्टिव रहता है तो जैसे आप पहले से तैयारी कर रहे थे उसी तैयारी को आपको जो है कंटिन्यू रखे रहना रहता है। ऑब्जेक्टिव में तो आपके लिए डबल एक तरह से फायदा हो जा रहा है, ठीक है। आप अपने यूनिवर्सिटी का भी तैयारी कर लिए, दूसरी बात है कंपटीशन का जो क्वेश्चंस रहा करता है उसका भी कुछ हिस्सा आपका तैयारी होता हुआ चला गया। क्योंकि कंपटीशंस में जो है 3 लेवल एक मोटे रूप से जो है लेवलिंग किए हुए रहते हैं क्वेश्चंस का। इजी लेवल आपको रहा करता है, ठीक है, उसके बाद जो है एवरेज लेवल रहा करता है, उसके बाद आपका हायर लेवल जो आपको रहा करता है जो कि मल्टी कंसेप्चुअल वगैरह और थोड़ा जटिलता है उसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी रहा करता है। तो देखिए, आदमी जो है नॉर्मली प्रिपरेशन जब भी आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स का भी, तो आपके पास क्या रहा करता है कि आप जो इजी लेवल का और एवरेज लेवल का क्वेश्चन उस पर अच्छा से जो है मजबूती किए हुए रहते हैं, ठीक है। और जो आपका हायर लेवल का क्वेश्चन रहता है उसमें आप अपना एरिया चुन लेते हैं कि कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से हम उस पर जो है वर्कआउट करेंगे। तो आप सही से देखिए तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास साथ साथ में पैरेलल में जो है कॉम्पिटिशन का भी कुछ हिस्सा जो है, ठीक है, आपका तैयारी हो जा रहा है। बाकी तो आपका यूनिवर्सिटी में काम हो ही रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आपके सिलेबस का ही ना पूछेगा, और वो एक तरह से आसान ही काम आपको रहा करता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा लॉन्ग या डेप्थ का क्वेश्चन जो है प्रायः जो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आपको नहीं डालेगा। कंपटीशन में भी देखते हैं कि कुछ हिस्सा, हालांकि उसका हिस्सा कम रहता है लेकिन रहता तो है, ठीक है, कम हिस्सा ही रहता है लेकिन रहता है जो कि ईजी लेवल का एक्चुअली रहा करते हैं। और फिर जो है मेजोरिटी जो आपको हिस्सा रहा करता है वो एवरेज लेवल का रहा करता है, और कुछ हिस्सा जो है टफ लेवल का, जिसको आप बोल सकते हैं कि मल्टी कंसेप्चुअल लेवल का रहता है। तो देखिए, इजी वाला सेक्शन का क्वेश्चन का तो आपको कंपटीशन में भी काम हो जाएगा जो आप इधर यूनिवर्सिटी वाले में तैयारी किए हुए रहते हैं। तो और ऐसे भी जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है एक तरह से जो है लर्निंग का एक तरह से आप समझिए तो एक पार्ट ही रहा करता है। क्योंकि कोई चीज़ आप पढ़े हुए हैं तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से आपको परखा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के तरीके से परखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में जो है प्रायः जो है आपके साइड में एक तरह से आसानी काम रहता है। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है तो एक तो आपको आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे, दूसरी बात रहा करता है साथ में कंपटीशन का भी कुछ हिस्सा जो है आपका उसी बहाने आपका तैयारी होता हुआ चला जाता है, ठीक है।
तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रायः जो है कहाँ कहाँ से उठाया जाएगा, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे रहते हैं या जो कंपटीशन में जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस रहा करते हैं, ठीक है, जो कि आप समझिए कि इजी लेवल वाला या एवरेज लेवल वाला जो क्वेश्चंस लगभग जो रहते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो आप सही से देखिए तो जो क्वेश्चंस रहा करता है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डेफिनेशंस वगैरह से आपको उठाया हुआ रहेगा, जो भी आप अलग अलग पेकुलियर डेफिनेशंस पढ़ा करते हैं, ठीक है, उसका जो है डेफिनेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन रह सकता है, जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल डेफिनेशंस का ही आपको दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए जैसे इंटरफेरेंस का ही उसको डेफिनेशंस का सपोज कर लीजिए जानकारी लेना है, ठीक है, तो आपको क्या बोल देगा, मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया कि सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, ठीक है, कॉजिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, तो जाहिर सा बात है उसमें ऑप्शन बहुत तरह का दे देगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी कुछ, मान लीजिए सपोज कर लीजिए नन ऑफ देम दे दिया, ठीक है, या ऑल ऑफ देम दे दिया, तो इस तरह का ऑप्शन बना करके दे दिया। तो आप डेफिनेशन जानते हैं कि जब सुपरपोजिशन दो या दो से ज़्यादा वेव होता है और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का यदि एनर्जी का करता है तो वो उस तरह का सिचुएशन में क्या हुआ था, इंटरफेरेंस जो है फेनोमेनन घटा करते हैं, तो आप जानते हैं, तो ये डेफिनेशन आपके लिए जो है तुरंत पहचान जाते हैं और तुरंत टिक मार लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से डिफ्रैक्शन का मान लीजिए आपको रहा करता है, पोलराइजेशन का जो डेफिनेशन वगैरह रहा करता है, तो उसमें डेफिनेशन पे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में रहता है। हम तो एक कॉमन छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिए ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि सब टर्म आप जो है सब लोग सुने हुए रहते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं। तो डेफिनेशन वगैरह पे इस तरह क्वेश्चन हुए जो कि प्रायः मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी वगैरह लेवल पे जो है इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा डले हुए रहते हैं, कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कम रहा करते हैं, ठीक। अब जो आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में जो है उस तरह का क्वेश्चन जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको फिर से बता रहे हैं, सपोज कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ में जैसे एग्जांपल हम ज़्यादा सिंपल रूप से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोई आपको जो है पूछा करता है प्रॉपर्टीज़ वाले में ही जो है, सपोज कर लीजिए आपका फोटोन का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ दिया, ठीक है, तो फोटोन का डायरेक्ट तो ऐसे करके पूछेगा नहीं लिखने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको प्रॉपर्टीज़ पर आधारित फोटोन के पास क्या बोल सकता है कि फोटोन का रेस्ट मास जो एक्चुअली रहा करता है क्या रहा करता है, ऑप्शन दे दिया, जीरो रहा करता है, फाइनाइट वैल्यू रहा करता है, ठीक है, कांट बी सेड जो है इनफाइनाइट रहता है, इस तरह से मान लीजिए आपको जो है ऑप्शन दे दिया। अब आप फोटोन के बारे में जानते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास जो है जीरो हुआ करता है, तो आपके लिए बहुत आसान काम है। तो एक तरह से क्या हुआ, फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में हुआ, ठीक है, जो जाने तो आप आसानी से ये कर दिए। सपोज कर लीजिए आपको वेव फंक्शन जो क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़े हुए हैं तो सिंपल काम रह जाता है। मान लीजिए वेव फंक्शन के बारे में बोल दिया कि वेव फंक्शन साई इज, ऑप्शन में दे दिया, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस, मल्टी वैल्यूड एंड डिसकंटिन्यूअस, मल्टी वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस, मल्टी वैल्यूड एंड डिसकंटिन्यूअस, ऐसे करके जो है कई तरह का ऑप्शन सपोज कर लीजिए आपको दे देता है। तो आप जानते हैं तो आपका ध्यान ऑप्शन तो कई तरह का बना सकते हैं, जो सही वाला आपको ढूंढना रहता है, तो आप जानते हैं कि वेव फंक्शन साई जो रहा करता है क्या रहता है, सिंगल वैल्यूड रहा करते हैं और कंटिन्यूअस रहा करते हैं, देखें आप उसको टिक मार देते हैं। तो सही से देखिए तो कोई बड़ा चीज़ तो एक्चुअली नहीं रहा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन जो आपको फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे, जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह लेवल पे जो है मान करके चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ज़्यादा आपको जो एक तरह से पॉपुलर रहा करते हैं। फिर जो है लॉज वगैरह या थ्योरम वगैरह पे, जो भी आप लॉज वगैरह जो आप पढ़ते हैं सपोज कर लीजिए, ठीक है, जो भी नियम वगैरह आप पढ़ते हैं वो डायरेक्ट आपको जो है एक तरह से जो है वो रख सकता है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। इस एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में सिंपल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए फैराडेज़ लॉ कहीं आपको जो है कुलम्स लॉ कहीं आपको मान लीजिए सिचुएशन रहा करता है, इसके बारे में सपोज कर लिए पूछ लेता है, या सपोज कर लीजिए एग्जांपल आपको जो है पॉस्टुलेट्स ऑफ जो रिलेटिविटी आप पढ़ते रहते हैं उस पर आपको जो है कोई ऑप्शन बना दिया अकॉर्डिंग टू पॉस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ऑप्शन दे दिया, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्विवेलेंट इन नेचर इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड इन वैकम, ठीक है, या इन वैकम नहीं भी बोल करके मान लीजिए लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया, बाकी और एक दो ऑप्शन जो अलग अलग तरीके से बना दिए। तो अब शुरू का जो हम आपको बताएं, ठीक है, वो आपका पॉस्टुलेट रहता है, तो आप पहचान गए तेजी से आप उसको क्या कर दिए, जानकारी आप दे दिए एक तरह से जो, ठीक है। मान लीजिए और भी आपका रहा, सपोज कर लीजिए जो लॉज वगैरह आप पढ़ते हैं, सपोज कर लीजिए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आपका पूछ दिया एम्पियर्स लॉ के बारे में, ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है, पहले जो आप पढ़ते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म नहीं, सीधे आप एम्पियर्स लॉ पढ़े रहते हैं, बाकी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ पढ़ा करते हैं, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि डेल क्रॉस एच जो रहा करता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, कंडक्शन करेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट, ठीक है। तो आपको सपोज कर लीजिए ऐसे करके इसी लॉ पे जो है आपको या इस पहले पे जो है आपको
पूछ दिया जानकारी जो है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ऑप्शन दे दिया कंडक्शन करंट, ठीक है, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, लास्ट में नन ऑफ देम। तो आप जानते हैं तो तुरंत टिक मारिएगा, ठीक है, कि कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आपको जो है रहा करता है उसके बारे में जो है, ठीक। बाकी ऐसे नहीं जानते तो आप क्या करिएगा, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। कर्ल ही का नाम सुनकर के आपको अजीब सा लगेगा कि कर्ल क्या होता है एक्चुअली जो है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ तो सुने हुए हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं तो उसमें आप कर्ल के फॉर्म में, डाइवर्जेंस के फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो सही से देखिए तो आपको इस पर क्वेश्चन, आपको हम एक एग्जाम्पल बता रहे कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन उठाया सकता है। और इस तरह का तो कॉम्पिटिशन्स में भी आपको जो है क्वेश्चन जो है मिल सकता है, इस तरह का जो है थोड़ा सा हल्का जो है, हल्का जो शिफ्ट होकर के जो है, मतलब जो कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है वो, तो उस तरह का जो है कॉम्पिटिशन्स में भी इजी वाला सेक्शन वाले में जो है क्वेश्चंस रखा हुआ रहता है। कॉम्पिटिशन में भी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टफ क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, जो इजी वाला सेक्शन है तो इजी वाला सेक्शन वाले में जो इस तरह के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर कई सारे जो आपको कॉम्पिटिशन मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा विस्तार या नेशनल लेवल पे नहीं रहा करते हैं, तो वैसे कॉम्पिटिशन्स में तो इजी लेवल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहा करता है। जैसे आप बीएचयू वगैरह का एग्ज़ाम में देखिए, और भी एग्ज़ाम वगैरह देखते हैं जो थोड़ा लोकल टाइप का रहता है, बहुत ज़्यादा नेशनल पैमाने पर नहीं रहा करता है, ठीक है। मतलब नेशनल अरेंज जरूर होता है लेकिन वो उस तरह का नेशनल टाइप का नहीं, ऐसा नहीं कि सब लोग उसमें चाहते हैं, लेकिन हाँ कुछ एग्ज़ाम जैसे आपको जैम वगैरह का हो गया, ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम जो है नेशनल टाइप का आपको रहा करते हैं, ठीक है। आई टी जैम का एग्ज़ाम और बीएचयू का ऐसी तुलना करिएगा तो रहता है ना इस तरह का जो है, ठीक है। बीएचयू वगैरह जो है जो अधिकतर नॉर्थ साइड के वही लोग उसको भरना चाहते हैं, साउथ के साइड के तो लोग इधर आकर के नॉर्मली नहीं पढ़ना चाहते हैं उस तरह से जो है, ठीक है। तो हम उसका एग्जाम्पल नहीं दें। बीएचयू वगैरह में क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है एवरेज और एक तरह से जो है समझिए तो ईजी लेवल का रहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का मात्रा टफ लेवल का रहता है। वही आप जो एकदम प्योरली नेशनल लेवल का एग्जाम रहते हैं, जैसे आपको आई टी जैम वगैरह रहे, तो उसमें क्या है ईजी लेवल का भी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा मात्रा जो है कम रहा करता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता, कम रहता है। एवरेज लेवल का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और टफ लेवल का भी क्वेश्चन जो है थोड़ा कम ही रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन अधिकतर भरा हुआ, ऐसा नहीं रहा करता, ठीक है। एवरेज लेवल का उसमें मात्रा ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो खैर हम लोग जो है यही बात कंक्लूजन कि आप जो तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले में ऑब्जेक्टिव का यदि तैयारी करते हैं तो दोनों काम हो जाएगा, कंपटीशन का भी कुछ काम हो जा रहा है, यूनिवर्सिटी में भी आपके लिए स्कोर बहुत तेजी से कर सकते हैं। जानते हैं तो तुरंत तुरंत टिक मारते हुए चले जाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में तो बहुत समय नहीं लगता, जानिएगा तो तेजी से आप टिक मारते हुए चले जाइए। जहाँ कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट आएगा वहीं पर रहिएगा तो रखिएगा, समय लगेगा, बाकी ऐसे तो इन्फॉर्मेशन आपको है, जानकारी है, तुरंत पहचान करके उसको टिक मारते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस रहा करते हैं, ठीक है, इधर समझाइए आपको फार्मूला बेस्ड जैसे आपको क्वेश्चंस रहते हैं, तो फार्मूला बेस्ड जैसे क्वेश्चन आपको रहे एग्जांपल में बता रहे हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर बाई नहीं रख करके जो इंटू में कर दिया अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसे कर दिया, टी इज इक्वल टू टी नॉट क्यूब अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी कर दिया ऐसे करके, तो कई तरह का ऑप्शन दे दिए। जानते हैं तो सीधे पहचान लीजिएगा कि टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला ऑप्शन आपको रहा करता है, ठीक है, जो कि टाइम डायलेशन का हुआ, तो जाने तुरंत पहचान ली, ठीक है। तो क्या हुआ, फार्मूला बेस्ड एक्चुअली हो गया, ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कॉम्पिटिशन में भी रहता है, ठीक है, कुछ फार्मूला जो है जो आप पढ़े हुए रहते हैं टिपिकल वगैरह फार्मूला जो रहा करते हैं खास करके जो है, तो उस तरह का क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिशन में भी फार्मूला को पूछ लिया जाता है। कई बार कॉम्पिटिशन में जो एक्चुअली आपको मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फार्मूला आपको पूछा हुआ रहता है, ठीक है, इसमें से कौन सा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, सपोज कर लिए कई तरह का ऑप्शन बना दिया है, तो आप पहचानते हैं तो जानते हैं तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि मैक्सवेल्स लॉ जो आप पढ़ते रहते हैं तो चार रूप में आप एक्चुअली पढ़ते रहते हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डोटी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी आपको रहा करता है, जिसको आप जो है डोडी बाई डोटी भी लिख सकते हैं। तो इसको पहचान रहे हैं तो आप इसको तेजी से आप जो है एग्जाम में भी देखिएगा तो पहचान जाइएगा, और नहीं तो फिर कई तरह का ऑप्शन रहेगा वो आपको जो है मिक्स कर देगा इधर उधर जो, ठीक है। तो फार्मूला तो कम से कम आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला जो है कोई टॉपिक का जो है आपका चैप्टर का रहता है तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जितने भी जो आपके सिलेबस में वो फार्मूला आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपका बेस्ट रह गया, ठीक है। अब यही जैसे हम आपको जो जो नाम लिए उसी को मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको ढाल दे यूनिवर्सिटी वगैरह में लिख दे मान लीजिए कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ऑप्शन जो है कई सारा का आपको जो सेट कर देगा तो आप जानते हैं कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू हम लोग क्या देते हैं, चार्ज डेंसिटी देते हैं, रो भी देते हैं, ठीक है, यदि चार्ज वाले रीजन में है तो, ठीक है। अब चार्ज फ्री रीजन बोल देगा तो फिर उसका ऑप्शन जीरो हो जाएगा एक्चुअली। तो बताने का कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे कि फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस रहते हैं।
अब जो फॉर्मूला रहते हैं तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग रहते हैं, मतलब फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, तो आप उस पर पुट करके डायरेक्ट आप आंसर जो है लेकर के आ सकते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जैसे एग्जाम्पल दिए थे टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो टाइम डायलेशन का है, तो आपको मान लीजिए प्रॉपर टाइम का जानकारी दिया हुआ है, फ्रेम का वेलोसिटी का जानकारी दिया हुआ है, और रिलेटिविस्टिक टाइम आपको जो है या डायलेटेड टाइम आपसे मांग रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला रख लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस्ड एक डायरेक्ट हुआ, जो कि ऐसा भी क्वेश्चंस जो है यूनिवर्सिटी में तो रहते ही रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का ऊपर जा सकता है, जो कि यूनिवर्सिटी के लेवल में ऐसा क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन वैसा पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिशन्स में ऐसा आपको जो है रखा हुआ रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो आपसे जानकारी मांगता है, ठीक है। तो अब आपको सपोज कर लीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो आपको जो है तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो आप पढ़े हुए रहते हैं डेल क्रॉस ई, ठीक है, कर्ल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालते हैं वो क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ माइनस डोवी बाई डोटी आपको दिया करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, आप जो है डेल क्रॉस ई, जब ई दिया हुआ ई वेक्टर, तो डेल क्रॉस ई आप निकालिएगा, मतलब कर्ल निकालिएगा, तो कर्ल जो भी निकाले हुए क्या आया हुआ है, माइनस डोवी बाई डोटी का जो है वो रिजल्ट आया हुआ है। फिर उसको जो है टाइम वाले को उधर लेके जाइए, ठीक है, और उसको जो है आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करके जो है फिर बी वेक्टर को जो है सेपरेट कर लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा यूनिवर्सिटी के दृष्टि से देखा जाए तो हल्का लेवल ऊपर हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में तो कम मिलेंगे, लेकिन मिल सकते हैं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिशन में इस तरह का क्वेश्चन एवरेज कैटेगरी का डाला हुआ रहता है, इसको एवरेज कैटेगरी में आप बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पहचानना रहा, पहचाने उसके बाद आप डायरेक्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पहचानने के बाद जो है कर्ल निकालने आना चाहिए, ठीक है, कर्ल एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, तो आपको कर्ल निकालने आना चाहिए, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, उसको निकालने के बाद आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये माइनस डो बी बाई डोटी दिया हुआ है, तो आपको वहां से फिर टाइम वाले को उधर सेपरेट करके इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके आपको बी वेक्टर को निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो थोड़ा हुआ फॉर्मूला को आप अच्छा से इस्तेमाल किए एक्चुअली, एक लेवल पे इस्तेमाल किए, तो ये एवरेज कैटेगरी का कॉम्पिटिशन के दृष्टि से हो सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़े कम रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर लोग नहीं बना सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपको रह सकते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड ना होकर के थोड़ा कॉन्सेप्ट को हल्का ऊपर कैलकुलेशंस में आपको लेके गया, हल्का अप्लाई करवाया एक्चुअली, जो सोचने के लिए थोड़ा मजबूर किया आपको जो, ठीक है। तो ये आपको है, बाकी कॉम्पिटिशन्स में रहता तो वही आपको और भी मल्टीपल यदि कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व कर दे रहा है, ठीक है, तो और भी जो है क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ट्विस्ट कर जाएगा एक्चुअली जो, ठीक। तो कॉम्पिटिशन्स लेवल पर तो मतलब जो है रेंज आगे की ओर जा सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर इतना भी कर दिया, ठीक है, थोड़ा अप्लाई करवा दिया तो वही काफ़ी रहता है जो आपका ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में रहा करता है, वरना वो डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ रहता है, ठीक है, या डायरेक्ट फार्मूला पे वैल्यू पुटिंग का काम रहता है, जो कि हम आपको टाइम डायलेशन वगैरह टाइप में एग्जांपल एक्चुअली दिए, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन फैक्ट्स वगैरह पे रहते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपको बोल देता है कि कोई आपको एलिमेंट वगैरह का नाम दे दिया, बोल दिया कि इसमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है या फेरोमैग्नेटिज्म को शो करा करता है, ठीक है, ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, तो आप पहचानते हैं कि कौन सा फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है, तो वो आप जो है जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े फैक्ट्स बेस्ड रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कम रहते हैं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि याद करने वाला चीज़ हो गया, तो याद करने वाला चीज़ें फिजिक्स वगैरह में शोभा नहीं देता, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है, तो वैसा क्वेश्चन जो है थोड़ा कम रहा करते हैं, ठीक है, दे सकता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन काफ़ी कम रहते हैं, और कॉम्पिटिशन्स में तो याद करने टाइप का क्वेश्चन लगभग न के बराबर रहा करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में तो पूछ भी दिया, कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा जो है मान के चलिए कि एक्सेप्शनली केस में ही पूछता है, तो इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव्स करें, तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आसान काम एक तरह से रह जाता है, एक तो समय आपका जो है कम लगेगा, जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं, फिर इसी तरह का उसमें जो है क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं, और साथ में आपका पैरेलल लेवल पे क्या हो रहा है कि इजी लेवल का जो सेक्शन कॉम्पिटिशंस का रहता है या थोड़ा बहुत एवरेज लेवल वाला जो क्वेश्चन है उसका भी पैरेलल आपका तैयारी हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिशंस में तीनों कैटेगरी बोले के रहते हैं कि ईजी वाला पार्ट, एवरेज वाला पार्ट और थोड़ा टफ वाला पार्ट जो आपका जो कि मल्टी कंसेप्चुअल आप बोल सकते हैं, फार्मूला को थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको इस्तेमाल करवाना जो एक्चुअली थोड़ा डेप्थ में रख के क्वेश्चन पूछना, ठीक है, लेकिन ईजी वाला पार्ट तो रहता ही है और एवरेज वाला पार्ट तो ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है, और फिर जो है आपका टफ वाला क्वेश्चन। तो आप साथ साथ में यदि यूनिवर्सिटी वाला में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि आपका यूनिवर्सिटी वाला तो काम हो ही रहा है, 100% हो जा रहा है, साथ साथ में आपका क्या हो रहा है कंपटीशन का भी कुछ हिस्सा का जो आपका काम होता है वो चला जा रहा है, ठीक है। तो
तो हम लोग जो है कई सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी जो है एक्चुअली आपका जो है डला हुआ रहेगा, जिसको आप टॉपिक वाइज वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको डले हुए रहेंगे, ताकि आपको जो है जैसे मर्जी वैसे कहीं का कहीं ऑब्जेक्टिव मिक्स करके जो है नहीं किया हुआ रहेगा, जनरल नॉलेज का टाइप का जो है, ताकि आपको जो है पता ही नहीं चले कहाँ से कौन टॉपिक है, बस क्वेश्चन करे जा रहे हैं, क्वेश्चन का वैसे अंत नहीं रहेगा। हम चाहेंगे कि कुछ टॉपिक वाइज जो है एक्चुअली जो है आपके सामने क्वेश्चंस को रखें, ठीक है, कोई चैप्टर वाइज जो है या टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन रहे, ताकि आपके दिमाग में लगे कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो है नॉर्मली जो है फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी बोले कि यही सब लगभग रहता है उस चैप्टर में, आप देखिए क्या क्या डेफिनेशन से वो दिमाग पर रहना चाहिए, प्रॉपर्टीज वगैरह जो है, लॉज थ्योरम है तो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स, ये सब आप ध्यान में रखते हैं तो चैप्टर आपका जो है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी आपका जो है तैयारी होता हुआ चला जाता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव का फॉर्म में तो बताएं कि डेरिवेशंस वगैरह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब आप समझिए फिजिक्स का मतलब डेरिवेशंस, ठीक है, कि जो भी आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं वो आपके पास डेरिवेशंस करने का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्चुअली रहना चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स में जो है डेरिवेशंस ही मेन चीज़ आपको रहा करता है, ठीक है। और जब डेरिवेशन करना जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल में भी आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। जब डेरिवेशन करना अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, उसको समझ समझ के, तो न्यूमेरिकल्स पे भी आपको काम करना जो है आता ही रहता है, ठीक है, बस उसका थोड़ा प्रैक्टिस का एक्चुअली जो है ज़रूरत रहता है, ठीक है। इसलिए डेरिवेशंस तो आपको ऐसे भी करना रहता है, यूनिवर्सिटी में पूछे चाहे नहीं पूछे, ठीक है, अभी तो फिलहाल का जो सिचुएशन उसके वजह से वैसा करने का कोशिश में ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन डेरिवेशन पे तो आपको प्रैक्टिस पूरी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन ही फिजिक्स का डेप्थ आपको देता है, ठीक है, वो सोचने समझने का एक कैपेबिलिटी देता है, ठीक है, मैथमेटिकली रूप से वर्कआउट करने का आपके पास कैपेबिलिटी देता है एक तरह से। तो डेरिवेशंस तो आपके पास करने का कला जो है बहुत अच्छी तरह से जो है डेवलप रहना चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक हम रहने दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को कैसे काम में लेना है, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना, हम आपको एक कैटेगराइज करके दिए, ठीक है। बाकी कई सारे टॉपिक जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव में जो है डिस्कस करते रहेंगे, जिसको आप रेगुलर जो है कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आप दीजिए, ठीक है, फीडबैक जो आपका रहा करता है कि आप नॉर्मली जो है क्या और भी चाहते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो हम उसके बारे में फिर जो है उसका आपका कंटेंट देंगे एक्चुअली जो है, ठीक है। फिर जो है आपको आप किस यूनिवर्सिटी वगैरह से हैं, ठीक है, और किस किस टॉपिक पे आपको चाहिए लेक्चर वगैरह जो है, तो आप उसका जानकारी जो है कमेंट वाले सेक्शन में देते हैं, कभी ना कभी उसको जो है एक्चुअली जो है उसको कंसिडर कर ही लिया जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो तुरंत फिलहाल में चल रहा है ज़रूरी है तो उसको उसी समय कंसिडर कर लेंगे, कुछ जो है थोड़ा समय भी लग सकता है लेकिन उसको कंसिडर किया जाएगा। इसलिए अपना कमेंट सेक्शन में जो है निश्चित रूप से आप अपना जानकारी जो है एज ए फीडबैक जो है आप देते हैं। दूसरी बात है कि आपका भी जो इच्छा रहता है, ठीक है, कि इस टॉपिक पर बनाया जाए, इस टॉपिक पर बनाया जाए, तो टॉपिक वगैरह का भी जानकारी आप जो है देते हैं, धीरे धीरे उसको इंक्लूड कर लीजिए, एक ही बार तो नहीं काम कर दीजिएगा, धीरे धीरे इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।